Assalamualaikum guys, welcome to my YouTube channel. आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो आपके लिए बहुत मुफीद है. जो बंदे नए पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया या गल्फ कंट्रीज में आ रहे हैं, स्पेशली ये वीडियोस उनके लिए है. क्योंकि मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरेबिया में ऑलमोस्ट पिछले 7 साल से काम कर रहा हूँ, तो मैंने ये चीज़ें बहुत देखी हैं कि जो बंदे नए आते हैं माशाल्लाह वेल एजुकेटेड होते हैं, उनकी एजुकेशन बहुत ज़्यादा होती है, इंजीनियरिंग की होती है, एमए किया होता है, एमबीए किया होता है, लेकिन जब वो पाकिस्तान से इधर आते हैं सऊदी अरेबिया में या किसी भी गल्फ कंट्री में, लेकिन उनके पास वो मकसद नहीं होता या उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं होते कि जिस फील्ड में उन्होंने इतनी एजुकेशन की हुई है वो अपनी फील्ड में काम कर सके, या फिर उनके पास प्लान नहीं होता कि उन्होंने प्लान नहीं किया होता, वो बस वीज़ा लेते हैं, वीज़ा प्रोसेस करते हैं और सऊदी अरेबिया आ जाते हैं. जब सऊदी अरेबिया आते हैं तो क्या होता है, आगे इकामा आता है, तो इकामे के लिए फिर वो लेबर के पीछे दिखाई दिखाना शुरू कर देते हैं, मिस्त्री के पीछे, या फिर जो है वो स्टील का काम शुरू कर देते हैं. तो ऐसे जो है ना उनकी जो कम्युनिटी है वो चेंज हो जाती है, उनका जो मुआशरा है वो चेंज हो जाता है. वो वेल एजुकेटेड पर्सन से उन बंदों के साथ काम करना चले जाते हैं जो कि लेबर होता है. तो उससे क्या होता है कि वो अपनी जो स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव नहीं कर सकते, या फिर उनको जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो नहीं मिलती. तो आज की जो वीडियो है वो स्पेशल और स्पेशल उन बंदों के लिए है जो नए वीजे पे अपना पाकिस्तान से गल्फ कंट्रीज में आ रहे हैं. गल्फ कंट्रीज में आने से पहले, वीजा प्रोसेस करने से पहले, उन लोगों को किन किन चीजों का ख्याल रखना है और कौन सी चीजों पर अमल करना है, आज हम इस वीडियो में आपको ये सारी चीजें डिटेल में बताएंगे इंशाल्लाह. वीडियो पे जाने से पहले अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी है. गाइस हम चलते हैं, अभी हम आपको बताते हैं कि कौन सी 3 चीजें हैं जिनका आपको जो है वो ख्याल रखना है जब भी आपने नया वीजा प्रोसेस करना है, या जितने भी नए बंदे जो वेल एजुकेटेड बंदे हैं जिनके पास स्किल्स हैं, जो इंजीनियरिंग की हुई है, जिन्होंने वेल एजुकेशन ली हुई है, वो जब वीजा प्लान करते हैं किसी भी गल्फ कंट्री का, तो उनको किन 3 चीजों का ख्याल रखना होता है. सबसे पहले तो प्लान है कि आपने करना क्या है. ठीक है, वीजा आपका माइंड है कि मैंने वीजा लेना है, वीजा ले लिया, प्लान है आपका जी मैंने सऊदी अरेबिया जाना है. सऊदी अरेबिया जाके आपने करना क्या है, आपको प्लान करना चाहिए. प्लान किस हिसाब से करना है आपने प्लान करना है अपनी एजुकेशन के हिसाब से, आपने क्या किया हुआ है, किस चीज में आपकी एजुकेशन ज्यादा है और आप जो है वो क्या कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है. आपने प्लान करना है और उस प्लान के तहत आपने जो है वो एजुकेशन लेनी है, आपने कुछ शॉर्ट कोर्सेज है वो करने हैं. फर्ज करें कि आप सेफ्टी, आपने जो है वो ग्रेजुएशन की हुई है, फर्ज करें, सपोज करें आपने ग्रेजुएशन की हुई है, ग्रेजुएशन के लिए सबसे परफेक्ट है कि आप उधर से कोई सेफ्टी का डिप्लोमा करें, सेफ्टी का, हेल्थ एंड सेफ्टी का डिप्लोमा करें, शॉर्ट कोर्सेज करें, ओशा है, आयोश है, वो करें. उसके बाद प्लान के बाद आपका जो है वो प्रोफेशन सिलेक्शन है. प्रोफेशन सिलेक्शन मैंने आपको बताया अभी, जैसे मैं अगर मैंने किसी बंदे ने ग्रेजुएशन की हुई है, किसी बंदे ने अगर ग्रेजुएशन की हुई है, सिंपल है, उसके पास मतलब कोई स्किल्स नहीं है, तो वो सिंपल आयोश कर सकता है, उषा कर सकता है, सेफ्टी फील्ड में आ सकता है. लेकिन अगर आपके पास सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, तो फिर आपने अपना जो प्रोफेशन है उस हिसाब से सिलेक्ट करना है. ठीक है, प्रोफेशन सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप विदाउट प्रोफेशन सिलेक्शन अपना सो पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया आते हैं या किसी भी कंट्री में जाते हैं तो आप कामयाब नहीं हो सकते. ठीक है, प्लान हो गया, प्रोफेशन सिलेक्शन हो गया, आपने वीजा ले लिया. वीजा लेने के बाद जब आप सऊदी अरेबिया आते हैं या किसी भी गल्फ कंट्री में जाते हैं तो आपके लिए सोर्सेज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. जो सोर्सेज है, सोर्सेज के बगैर आप किसी भी कंट्री में जो है वो इतनी जल्दी ग्रो नहीं कर सकते. तो जब आप किसी भी कंट्री में, सपोज आप सऊदी अरेबिया में आते हैं, सऊदी अरेबिया में आए हैं, आगे आपके पास सोर्सेज होने चाहिए, क्योंकि जब बंदा पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया आता है तो आते ही आपको इकामा बनवाना होता है. इकामा बनवाने के लिए आपको पैसे चाहिए, लेकिन हम पाकिस्तान से इतने पैसे तो लेके नहीं आ सकते कि हम आगे अपना जो इकामा बनवा लें. ठीक है, फिर बंदा क्या करता है, बंदा कोशिश करता है कि जो भी काम मुझे मिल गया मैं अपना उस काम में चला जाऊं. इसमें कोई बुराई नहीं है,
मतलब हमें जो काम मिल गया हमें उस काम में जाना चाहिए, हमें करना चाहिए, लेकिन हमें उस काम को अपना प्रोफेशन नहीं भूलना चाहिए। हमने जो प्लान किया हुआ है, जो हमारा प्रोफेशन है, वो हमारा एम भी है। सही है, एम हमारा जो है हमने उससे नहीं हटना। हम सोर्सेज लगाएंगे हम अपने एम तक पहुंचने के लिए। ठीक है, अगर मुझे 2-4 महीने किसी और साइट पे काम करना पड़ता है, मतलब अगर मैं आया हूं मुझे पैसे की बहुत जरूरत है, लेकिन मैं 1-2 महीना किसी और काम में काम कर सकता हूं, किसी और साइट पे काम कर सकता हूं, अपने मकसद को, अपने प्रोफेशन को अगर मैं नहीं ढूंढ पाया या मुझे वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो 2-3-4 महीने मैं किसी और प्रोफेशन में काम कर सकता हूँ। लेकिन जो मेरा मकसद है, जो मेरी एजुकेशन है, जो मेरा प्रोफेशन है, मुझे उसे नहीं छोड़ना चाहिए। जो सोर्सेज है, सोर्सेज आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पे मिल जाएंगे, आपको अपॉर्चुनिटी लाजमी मिलेगी। ठीक है, तो जो आपका ये 3 चीजें हैं जो मैंने बताई है आपको, प्लान, प्रोफेशन, सोर्स, ये 3 चीजें आपके पास होनी चाहिए। सोर्स अगर नहीं है आपके पास, डिस्क्रिप्शन में आप जाएं, अगर आपको किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए सोर्सेज के रिलेटेड, या आपका प्रोफेशन कैटेगरी, आपने किस किस्म की सिलेक्शन करनी है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो इधर खत्म होती है। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है या आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जाके हमें जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।